स्टीफन कोवी ने ये कंसेप्ट दिया, तो उसके बारे में बताते हैं। अभी क्या मालूम है क्या कि काम रहते एक तो अर्जेंट रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक काम रहता है अर्जेंट, एक रहता है इंपॉर्टेंट। तीसरा एक कैटेगरी है वो है नॉट अर्जेंट, और चौथा कैटेगरी है नॉट इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा है? अर्जेंट, कि जो काम एकदम अर्जेंट है वो आपको करना ही है, अर्जेंट। दूसरा कौन सा है? इंपॉर्टेंट, कि जो महत्व का है, महत्व का काम है और वो आपको करना है। तीसरा कौन सा है? नॉट अर्जेंट, और चौथा काम है नॉट इंपॉर्टेंट। अभी जब आप देखेंगे तो अर्जेंट जो है वो काम आपका ज्यादा से ज्यादा समय खाते हैं, वो आपके लिए अर्जेंट भी है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये जो है वो बहुत ज्यादा समय आपका खाते हैं, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अभी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में कौन से काम हो गए? अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, कौन से काम हो सकते हैं? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। हाँ, 31st है और 31st है तो अभी अपने को सब फाइनल करने का है, अकाउंट फाइनल करने का है, तो क्या हो गया? अर्जेंट हो गया एंड इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये बताइए कि अर्जेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, 31st है और बहुत धूमधाम चालू है, बिल्कुल टाइम नहीं हम बोल रहे। क्यों टाइम नहीं है? अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि हमने पहले नहीं किया। जब वो नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट था, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वो नॉट अर्जेंट था, अर्जेंट नहीं था मगर इंपॉर्टेंट था, तो हमने वो उस समय नहीं किया। और अभी आज क्या हो गया? अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अभी आपका दांत दर्द कर रहा है, इतना दर्द, इतना सीवियर दर्द हो गया कि अभी वो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट हो गया, और अभी तुरंत आपको बिल्कुल ये सेशन छोड़ के बिल्कुल तुरंत आज डेंटिस्ट के पास में जाना पड़ता है और वो कुछ तो भी करना पड़ेगा, इतना कि बस तड़पड़ इतना सीवियर दर्द है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट था, तब आप गए नहीं। वो तो पिछले 15 दिन से थोड़ा दर्द होना चालू हो गया था, है ना? तो आपने वो नॉट अर्जेंट था मगर इंपॉर्टेंट था कि दांत साफ करके आना चाहिए, दांत में कोई कीड़े होगी कि देखना चाहिए। एकदम कल से आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी हो गया, डॉक्टर ने बोला कि अभी एक्सरसाइज नहीं किया तो अपना कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जब वो नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट था तब आपने किया नहीं। अभी मेरे पास में एक पेशेंट को लाया, पेशेंट नहीं है एक्चुअली वो, मगर पेशेंट करके लाया। वो लड़की निम्फोमैनिक है, निम्फोमैनिया मतलब एक्सेसिव सेक्स, कि उसको ये हो गई, और वो कुछ भी किसको भी बुलाएंगी, किसके भी साथ दोस्ती करेंगी, किसको बुला लेंगी, घर पे बुला लेंगी, कहीं तो भी वो चांस ही देखेंगी कि वो माँ के साथ सिर्फ रहती है ना, माँ के साथ में। और अभी उसका अभी वो एक्सपोज हो गया एक 8 दिन पहले, और तब फिर उसके माँ को मालूम पड़ गया, अरे बाप इतना हो गया। अभी क्या हो गया? अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी जब वो देखना करना चाहिए था उसके लिए कि एक दिन लड़की लेट आई घर में, तो उस दिन देखा नहीं कि आज लेट क्यों आई, ये मोबाइल पे ज़्यादा है, तो उस दिन देखा नहीं कि ये मोबाइल पे ज़्यादा क्यों अपना टाइम दे रही है ना, तो इम्पोर्टेंट था उसके तरफ देखना, तो वो नहीं किया कि ये मोबाइल आजकल ज़्यादा मोबाइल पे है, आजकल ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर है, इसके कौन से कॉन्टैक्ट है, इसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग आ रहे, ये टाइम कहाँ कर रही, ये कॉलेज में जा रही कि नहीं, ट्यूशन पर जा रही कि नहीं। तो बच्चों की तरफ ख्याल देना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपने किया नहीं, वो नॉट अर्जेंट था, अर्जेंट नहीं था मगर इम्पोर्टेंट था। अभी आज क्या हो गया? आज इतना अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट हो गया कि अभी आज अभी इमरजेंसी हो गई, अभी कुछ तो भी करो नहीं तो बहुत ही बिगड़ रहा काम, और फिर उसको मेरे पास में लाके इसका करना क्या है ना, मानने को ही तैयार। अभी उसकी साइकेट्री ट्रीटमेंट चल, बोले दिमाग खराब हो गया इसका, ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी आपके काम अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है कि आज के आज ही करना पड़ता और बहुत ही जरूरी है, आप समझ लो कि एक समय वो काम नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट थे, उस समय आपने वो किए नहीं, तो आज वो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो गए।